एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पश्चिम बंगाल के चुनावी विश्लेषण को लेकर। और अब की बार किसकी सरकार, क्या आंकड़े पश्चिम बंगाल के लिए बन सकते हैं? अगर 2020 में चुनाव होते हैं पश्चिम बंगाल के लिए तो क्या यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं? जहां दोस्तों 2020 के लिए क्या कहता है पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल, क्या यहाँ पर फिर से बंगाल में बाजी मारेंगी ममता बनर्जी या फिर बीजेपी यहाँ पर पलटवार करेगी, इसके लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं? प्रशांत किशोर काफी अहम रहने वाले हैं कि वो क्या यहाँ पर जो राजनीति के वो एक बड़े यहाँ पर राजनीतिक कार हैं और जिनका साथ जिस पार्टी के साथ रहता है सरकार उसकी बनने जारी है, ये आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। प्रशांत और ममता की इस बार क्या जोड़ी यहाँ पर काम करेगी या फिर बीजेपी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में कामयाब रहेगी, तो इसके लिए क्या आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं? पश्चिम बंगाल के लिए अगर बात करें तो ममता बनर्जी काफी महत्वपूर्ण रही है और कई वर्षों से वो पश्चिम बंगाल की एक तरफा यहाँ पर शासन करती आ रही हैं, आंकड़े उनके पक्ष में आते रहे हैं। लेकिन 2021 के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, जिस प्रकार से 2019 में मोदी लहर दौड़ी थी पश्चिम बंगाल में, तो क्या आंकड़े बन सकते हैं? इससे पहले कुछ और आंकड़े देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और यहाँ पर महाराष्ट्र और झारखंड, इन राज्यों में बीजेपी को जमकर नुकसान हुआ है। लेकिन ये राज्य वो है जहाँ पर सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है, ये प्लस पॉइंट बीजेपी के साथ है पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए। इसके अलावा बीजेपी और अमित शाह सोच में है आखिरकार क्यों नुकसान हो रहा है, इसका हल कहीं ना कहीं बीजेपी निकाल रही है और आने वाले समय में इसका एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। जानो तो राम मंदिर निर्माण को लेकर और यहाँ पर धारा 370 को लेकर और यहाँ पर सीए का जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं उसको लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतर रही है और सीए का जो समर्थन करते हैं लोग 67% लोगों का मानना है और 33% लोग इसके विरोध में भी हैं। लेकिन क्या इसका असर आने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 2014 के आंकड़े आपको दिखाते हैं, बीजेपी सिर्फ 2 सीटें हासिल की थी लोकसभा में पश्चिम बंगाल के लिए, इन सीटों के लिए। लेकिन क्या यहाँ पर 2016 में जो विधानसभा चुनाव किए गए थे उसमें यहाँ पर टीएमसी स्तर पर जीत 212 सीटें, जबकि बीजेपी सिर्फ 7 सीटें हासिल कर पाई थी। लेकिन क्या पलटवार अब देखने को मिल रहा है, देखिए आंकड़े आपको दिखाते हैं। लोकसभा में बीजेपी का पलटवार, 16 सीटें यहाँ पर प्लस की है, यानी 18 सीटें बीजेपी ने इस चुनाव में जीती 2019 के लोकसभा में और कहीं ना कहीं यहाँ पर टीएमसी 22 सीटों पर सिमटी, तो आंकड़ा जरूर यहाँ पर टीएमसी का 4 सीट ज्यादा रहा है। लेकिन क्या विधानसभा में ये आंकड़ा बढ़ जाएगा बीजेपी का, जिस प्रकार से लोकसभा में बीजेपी ने यहाँ पर 16 सीटें अतिरिक्त जीती हैं, तो क्या आने वाले चुनाव के लिए यहाँ पर बीजेपी कुछ पलटवार करने वाली है, ये आंकड़े यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन 2021 के लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं, देखिए यहाँ पर ममता बनर्जी को 3 तरफा नुकसान है, एक तो बीजेपी से जो बड़ी पार्टी यहाँ पर उभर रही है और कांग्रेस और यहाँ पर जो ओबीसी है वो अगर मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं, जो कि अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी यहाँ पर वोट परसेंटेज निकल कर आता है मुस्लिम आबादी से और ये मुस्लिम वोट शेयर जो है वो बढ़ जाता है, तो फिर ममता बनर्जी को काफी नुकसान यहाँ पर हो सकता है। लेकिन देश के अंदर अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या बना हुआ है, देखिए महंगाई केवल 14% है, किसान मुद्दा जो है वो 15% है, लेकिन बेरोजगारी का जो मुद्दा है 29% मुद्दा बना हुआ है, भ्रष्टाचार 12, मंदी का दौर 10%, महिला सुरक्षा 4%। लेकिन क्या कहता है पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल इन 294 सीटों के लिए? जी दोस्तों यहाँ पर जो आंकड़े हैं बेहद ही चौंकाने वाले हैं और अगर आंकड़े आपको दिखाएं तो 135 सीटें टीएमसी हासिल कर रही है, आंकड़ा बहुमत का जो है वो 147 है, तो उस बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच रहे जैसे पहले ही आंकड़ा लगाया गया था। यह प्रशांत किशोर काफी महत्वपूर्ण भूमिका में आ सकते हैं, 16 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा रही हैं, 130 सीटें बीजेपी को जा सकती हैं और लेफ्ट के खाते में 9 सीट और उधर के लिए 4 सीट यहां पर जा सकती हैं। टीएमसी को नुकसान हो रहा है लेकिन फिर भी बड़ी पार्टी टीएमसी ही है, लेकिन किसका सहयोग उसे मिलेगा सरकार बनाने के लिए? अब की बार गठबंधन की सरकार यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर बन सकती है, फिलहाल ये कई बड़े एक्सपर्ट लोगों के आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में अब की बार किसकी सरकार, क्योंकि हमने जो आंकड़े देखे हैं उसमें सत्ता परिवर्तन हमें देखने को मिला है, जिसमें मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान और हाल ही में जो चुनाव हुए जिसमें झारखंड में भी सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा या फिर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की ही सरकार बनेगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।